गांधरबल में आतंकी हमले की जांच करेगी एनआईए। कल हुए हमले में 7 लोगों की मौत हुई है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी भी ढेर हुआ। आतंकी हमले में मारे गए डॉक्टर की पहचान बड़गाम के शाहनवाज अहमद के तौर पर हुई। मौत की खबर के बाद डॉक्टर के घर पर मातम। गांधरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की एक शाखा टीआरएफ भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है। लश्कर ए तैयबा गांधरबल में आतंकी हमले के बाद गंगनेर सोनमर्ग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आने जाने वाली गाड़ियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस स्मृति दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के नेशनल पुलिस मेमोरियल में कार्यक्रम में बोले घुसपैठ और आतंकवाद हमारे लिए चुनौती लेकिन ये खतरे कितने ही बड़े हैं हमारे जवानों के सामने नहीं टिक पाए। दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए धमाके की कई एंगल से जांच की जा रही है। इसी साल मई महीने में 150 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक की जांच में प्रशांत तिहार ब्लास्ट सोची समझी साजिश आईईडी से ब्लास्ट की आशंका ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी करने का भी शक। मुंबई में आज होगी महाविकास आघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर ऐलान हो जाएगा। कल एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं की बातचीत हुई। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अपने मुंबई आवास पर बैठक बुलाई है। उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगेगी। इस बार राज ठाकरे ने अकेले चुनाव में उतरने का ऐलान किया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से, कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया प्रत्याशी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर कांग्रेस की गिर चुनाव समिति की आज बैठक। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई बैठक। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से की 5 सीट की मांग। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले सरकार बनेगी तो एक कैबिनेट मंत्री का भी पद में। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरंगे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मराठा बहुल इलाकों में उम्मीदवार उतारेंगे। कहा जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां से लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी बोली 12-13 सीट से कम उसे मंजूर नहीं। पार्टी नेता मनोज झा बोले अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। झारखंड में आज सुने 8 उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिली से होंगे उम्मीदवार। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह वित्त आबकारी सहित कई विभाग अपने पास रखे। अनिल विज को मिला ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्रालय का जिम्मा। पुलिस स्मृति दिवस आज है। मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। बहराइच में बुलडोजर कार्रवाई पर 15 दिन के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। राजस्थान के खैरतल में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने सील की थी फैक्ट्री। नुकसान का किया जा रहा है आकलन। तमिलनाडु की मदुरई में पूर्व मंत्री विश्वरूप के बेटे श्रीकांत को किया गया है गिरफ्तार। दलित युवक की हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई। उत्तर प्रदेश की शामली में एक हिस्ट्री शीटर रवि ने दूसरे हिस्ट्री शीटर दरियाव सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। एक की मौत हो गई है। जांच में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रानीखेत में तेंदुए का खौफ। सड़क पर एक साथ नजर आए कई तेंदुए। रोड से गुजर रहे राहगीर ने वीडियो बना लिया।
बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हैं, अंडरपास में भी पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक स्लो। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका, चक्रवात डाना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट है, बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका।